सो इट्स 21st मॉर्निंग एंड मेरा ये व्लॉगिंग का फर्स्ट अटेम्प्ट है. आई हैव नेवर डन दिस बिफोर. जस्ट थॉट बिकॉज आज हम एक टूर पे जा रहे हैं. वी आर टेकिंग द किड्स टू उत्तराखंड फॉर अ क्रिकेट टूर एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट और रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सो आगे क्या क्या होगा आपको बताते जाएंगे. सी यू. ऑन माई वे टू द क्लब जहाँ पे सारे प्लेयर्स असेंबल करने वाले हैं एंड वहाँ से हम लोग बस लेंगे टू उत्तराखंड. सो क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दिस. लुकिंग फॉरवर्ड. सो हियर वी आर इन द बस. हम अपने टूर पे जा रहे हैं टू उत्तराखंड मैम रायवाला. यहाँ पे हम लोग 3 मैचेस खेलने वाले हैं. तो हमारे प्लेयर्स ये पीछे सारे बैठे हुए हैं. मेरे को पता नहीं इनकी एक्साइटमेंट अभी बहुत ज़्यादा थी. मैंने इनसे इनको चुप कराया है अभी, नहीं तो अदरवाइज काफ़ी देर हैंडफुल रियली डिफिकल्ट टू हैंडल. बट ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब देखते हैं कैसा रहेगा. सो क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दिस टूर. एंड आप लोगों को कैसा लग रहा है? एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग? कोई कुछ सोच रहा है इसके टूर के बारे में? काफ़ी तुम लोग में से तो काफ़ी एक्साइटेड हो क्योंकि 2-3 तो एग्ज़ाम दे के आ रहे हो. और किसी को कुछ कहना है बताओ भाई. मैच है, एंजॉय करके खेलेंगे. और किसी और का कोई कॉमेंट? सो दिस इज द बस वी आर ट्रैवलिंग इन. जस्ट स्टॉप्ड इन द मिडिल फॉर सम सीएनजी के लिए स्टॉप किया है हमने. एंड ऊपर आप देख सकते हैं सबका सामान पैक्ड है बिल्कुल. एंड बांदा जा रहा है. क्वाइट अ नाइस एक्सपीरियंस फॉर ऑल द बॉयज. सी द किड्स इनसाइड. काफ़ी मज़े में है सारे. दे ऑल एंजॉइंग देमसेल्व्स. अ टूर आफ्टर वेरी लॉन्ग कोविड के टाइम. काफ़ी डिफिकल्ट हुआ है लोग बच्चों के लिए. बट होपफुली दिस इज़ गोइंग टू बी अ नाइस गुड टूर. सो ये आप देख सकते हैं कि हम लोग खाना के लिए उतर रहे हैं. एंड इट्स अ मिडवे में सब खाना वाना खाने जा रहे हैं. दे ऑल नीड टू जस्ट रिलैक्स अ लिटिल बिट. द वेदर लुक्स ग्रेट एंड वी आर हियर फॉर अ लंच. एंड यू कैन सी वेदर बहुत बढ़िया है. अच्छी धूप निकली हुई है. जस्ट अ ब्रीफ ऑन दिस टूर. सो बेसिकली ये हमारे क्लब का सेकेंड टूर है. फर्स्ट टाइम वी वेंट टू श्रीलंका विच वॉज अ वेरी सक्सेसफुल टूर. बहुत मज़ा आया था. एंड ऑल द प्लेयर्स एक्सपीरियंस्ड रियली गुड क्रिकेट. एंड ऑफकोर्स द कंट्री इज एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल. तो बहुत मज़ा आया था वहाँ पर हमें. एंड अब हम लोग ये एक शॉर्ट टूर कर रहे हैं उत्तराखंड मैम्स रायवाला में. वहाँ पे हम लोग 3 मैचेस खेलने वाले हैं. 250 ओवर गेम्स एंड 1 T20. एंड इट्स जस्ट अ 3-4 डे ट्रिप. एंड बिकॉज ऑफ दिस कोविड टूर्स ज़्यादा पॉसिबल हो नहीं पाए. सो आई जस्ट थॉट दैट यू नो जस्ट टू ब्रेक द मोनोटनी एक अच्छा सा टूर, एक अच्छा सा शॉर्ट एंड स्वीट टूर रहे. एंड प्लेयर्स एक्सपीरियंस करें. जब टूर्स की बात करते हैं तो यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ऐसे टूर पे जाएँ बिकॉज इसमें टीम बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है. वी टेंड टू अंडरस्टैंड द प्लेयर्स. सब प्लेयर्स का इंटरनली कैसे रहते हैं वो लोग. हम लोग तो सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड पे देख पाते हैं बट टूर टाइप की जगह में 24/7 वी आर टुगेदर. सो वी गेट टू नो कि कैसे प्लेयर्स हैं. एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स मी अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्लेयर विच ऑल्सो हेल्प्स इन देयर डेवलपमेंट ऑफ द गेम एज वेल. ओके सो हियर आई एम. ये आई थिंक मेरा 611 है. सो आई थिंक माई रूम इज गोइंग टू बी हियर. सो हियर आई एम जस्ट एंट्रिंग द रूम. प्रीटी डिसेंट रूम. आई मीन एक टूर के लिए इससे अच्छा हमें कुछ चाहिए नहीं. सो प्रीटी डिसेंट. द बाथरूम्स आर प्रीटी डिसेंट. द रूम्स आर प्रीटी डिसेंट. एंड यस गुड इनफ. सो क्वाइट एक्साइटेड. द बॉयज आर वेरी वेरी एक्साइटेड. सो जस्ट एंटर्ड द रूम. काफ़ी टैक्सिंग रहा है. आई मीन वॉज नॉट अ वेरी स्मूथ जर्नी बट नॉट टू बैड बिकॉज ज़्यादा दूर नहीं है. इट जस्ट अ 5-6 आवर ड्राइव. सो नॉट टू बैड.
players, all the players are in their rooms. They are quite enjoying the whole experience of the tour. और rooms में काफी fancy rooms हैं. मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा. बच्चों के rooms में हरिद्वार का पूरा एक feel दिया हुआ है. उनका wallpaper है. So I'll give you a feel of that. This room is pretty decent. And as I told you, मैंने आपको एक video भी दिखाया था इसमें. And yes, so pretty excited about tomorrow. Tomorrow is a match for the kids. पहला मैच है. 50-50 ओवर का मैच है जैसे मैंने आपको बोला था. सो यस, टुडे दे आर गोइंग टू रेस्ट इट आउट, हैव डिनर, स्लीप अर्ली एंड यस गेट रेडी फॉर द गेम टुमारो. सो दिस इज द रूम. आप देख सकते हैं ये बच्चों का रूम है. इट्स प्रीटी डिसेंट, प्रीटी नाइस. आई थिंक आई स्पोक अबाउट द वॉलपेपर. पीछे ये हरिद्वार में हम रह रहे हैं और पूरा हरिद्वार का फील दे रहा है ये वॉलपेपर. एंड ये बच्चे काफ़ी सुधरे हुए बच्चे हैं. इन्होंने बिल्कुल साफ सुथरा करके अपने सामान वामान पूरा अच्छी तरह रखा है. वेरी नाइस, गुड किड्स. चलो गाइस, डिनर के लिए रेडी हो जाना. एंड टुमारो इज द मैच, सो गेट रेडी फॉर दैट ऑल्सो. जैसा देखा जाए ये रूम, ये हमारे कोच भी इस रूम में स्टे कर रहे हैं. ये मिस्टर विमल, इनसे हेलो बोलिए. ये दूसरा वॉलपेपर हरिद्वार का, काफ़ी अच्छी फील दे रखी है. एंड ये भी रूम काफ़ी साफ है, नॉट टू बैड. आदित्य राव का रूम है ये विमल से. सो डे टू, गुड मॉर्निंग. जस्ट हेडिंग फॉर ब्रेकफास्ट एंड ऑल द बॉयज विल बी देयर. नीचे सारे ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हैं. एंड उसके बाद हम लोग विल स्ट्रेट हेड टू द बस एंड टू द स्कूल फॉर अ 50 ओवर गेम. सी यू देन. सो हियर यू कैन सी द बॉयज हैविंग ब्रेकफास्ट अर्ली मॉर्निंग डे टू. दे ऑल गेटिंग रेडी फॉर द गेम एंड सबका नाश्ता चल रहा है. सब तैयार है एक सुपर मैच के लिए. सो हियर आर द बॉयज कमिंग आउट. This is the first game, so just reach the ground and I think now they'll just head to the ground. यहाँ आप देख सकते हैं सारे बच्चे बाहर निकलते हुए. Happy faces. I've just reached the ground and आप यहाँ ground देख सकते हैं. Really nice, amazing facilities. आप लोग ने पहले भी देखा है. एंड आई एम इन दिस स्कूल एज अ मेंटोर इन क्रिकेट. एंड फर्स्ट टाइम हम लोग अपने गुड़गांव के क्लब क्रॉय क्रिकेट क्लब के बच्चों को यहाँ लेके आए हैं फॉर अ टूर. यू कैन सी द विकेट हियर, रियली नाइस. बहुत बढ़िया विकेट बना हुआ है. बहुत ही अच्छे फैसिलिटीज़ हैं. पीछे आप देख सकते हो इनडोर फैसिलिटी है. एंड यहाँ पर मेरे आज देखा जाए तो मेरी दोनों टीम्स हैं, क्योंकि ये मेरी गुड़गांव की क्रॉय क्रिकेट क्लब है. एंड वहाँ आप देख सकते हैं दैट इज़ मैम्स क्रिकेट एकेडमी, जहाँ का मैं मेंटोर हूँ. सो इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग गेम एंड वेरी ग्रेट फैसिलिटीज एज यू कैन सी. एंड वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस ईयर. काफ़ी मज़ा आने वाला है. टॉस वॉज वन बाय मैम्स रायवाला एंड दे इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट. Really nice sunny day, perfect day for cricket and such amazing facilities and players warming up. So really looking forward to this. So here they are going in. Aditya Rao is leading the Croyer Cricket Club. This is the first time wo captaincy kar rahe hain. So इनके लिए भी काफ़ी लर्निंग होने वाली है, काफ़ी अच्छा होने वाला है फॉर ऑल द प्लेयर्स. सो हियर इज द फर्स्ट बॉल ऑफ द टूर. सो ये पवेलियन के टेरेस का व्यू है. आप यहाँ से देख सकते हैं द ग्राउंड इज सो नाइस एंड पीछे पहाड़ भी दिख रहे हैं बैकग्राउंड में. सो एन अमेजिंग व्यू. तो एक इनिंग हो गया है एंड मैम्स क्रिकेट अकेडमी स्कोर 269 इन 45 ओवर्स एंड वी नीड 270 टू विन. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है. सो लेट्स होप द बेस्ट टीम विंस.
So Croy Cricket Club is 58 for 4 and 14 overs. So not the best of situations, but just hanging on, trying to play well. यहाँ पे हम 78 for 9 हैं, तो अब मैच कभी भी खत्म हो सकता है. Not the best of days for Croy Cricket Club, but here we move on. Good morning. So this is day 3 and we are going for another game. हमारा second match आज है. कल हमारे मैच में हम लोग हार गए. सेकेंड इनिंग्स में वी वर 80 ऑल आउट, विच इज़ नॉट द बेस्ट स्कोर. बट आई वॉज नॉट वेरी डिसअपॉइंटेड. वाई? बिकॉज मुझे ये लगा कि हमारे प्लेयर्स इस गेम से काफ़ी सीखे हैं. दे आर ऑल यंग, दे आर ऑल 13 years old, 14 years old, एंड सम ऑफ देम आर 17, 18 ऑल्सो. बट वॉट आई फेल्ट वॉज दैट द ओपोनेंट्स वर अ लिटिल बेटर दैन अस, बट एट द सेम टाइम हमारे जो प्लेयर्स थे उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व की, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी बच्चों की, बिकॉज वहाँ पे उन लोगों के लिए सब कुछ काफ़ी सिमिलर होता है व्हेन दे प्ले इन दिल्ली एनसीआर. बट यहाँ पे इट वाज वेरी एलियन टू देम. द ग्राउंड इज़ रियली नाइस, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बट एट द सेम टाइम इट्स समथिंग न्यू फॉर देम, एंड यू नो कस्टमाइज करने के लिए थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है. But I feel that today they'll be better. They will play better. And I just want them to compete. And I just want them to learn. Because the most important thing about this tour is that हमारे बच्चे सीखें and कुछ सीख के वापस जाए. मेरा हमेशा ये मंत्रा रहा है कि every day आप morning में उठो, every day आप match खेलो, तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ लेके जाओ उस match से, कुछ ना कुछ सीख के जाओ. So that's the whole point. I'm looking forward to today. Very excited. The boys are excited. Kal sham ko badi masti hui hai. They've all enjoyed. So the whole purpose of this tour is fulfilled, and they're enjoying themselves. So that's the most important thing. So good morning. This we have day 3 hai ye, and hum ground mein hai, and it's looking beautiful. Aap yahan pe dekh sakte hain. And मैंने कल के मैच के बारे में आप लोग सबको बताया, विच वॉज नॉट द बेस्ट फॉर आर क्लब, बट एट द सेम टाइम काफ़ी लर्निंग्स थी. मेरे ओपिनियंस मैंने आपको दिए. मैं चाहता हूँ कि हमारा वन ऑफ द प्लेयर्स अभिषेक अपने ओपिनियंस दे कल के बारे में, एंड ही टेल्स अस हाउ ही फेल्ट अबाउट द गेम यस्टरडे. हाँ जी अभिषेक. कल का गेम थोड़ा था लाइक इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग टाइप, बट ठीक है, जस्ट लर्निंग. ये मैच जितना हारना तो होता ही है. कल मेरे को लगा था हम अपना फील्डिंग बेटर कर सकते थे, और हमने एक्स्ट्रास भी बहुत दे दिए थे वाइड के, इसमें ओनो बॉल या फिर फील्डिंग के टाइम पे हमने ओवर थ्रोज बहुत दे दिए. सो टुडे वी आर ऑल गोइंग टू नो गेट टुगेदर एज ए यूनिट, और हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, टफ फाइट देंगे, और हम जीतने के मोटिव से आए हैं और जीत के जाएंगे. तो थोड़ा सा डिफरेंट लगा तुम्हें, जैसे कल तुम लोग एक नए प्लेस में आए हो, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट रहा होगा. थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट तो तुम्हें दिया जाएगा, बट एट द सेम टाइम क्या तेरे को लगता है कि कंडीशंस की वजह से थोड़ा सा और बेटर हो सकता था? राइट, अभी कंडीशंस में अडाप्ट करने के लिए टाइम लगता है. लाइक पहली बार खेल रहे हैं हम यहाँ पे, हम सारे एक पहली बार आए हैं, सो कह सकते कि पिछला मैच हमने खेला, हम कंडीशंस अडाप्ट करने में टाइम लगा लिया. जैसे यहाँ पे हवा जो है अलग है गुड़गांव से, हम जहाँ पे खेलते हैं यहाँ पे स्विंग अलग है, यहाँ पे टप्पा जो देखना पड़ता है वो सब अलग है. हमने कल अडाप्ट कर लिया, हमने सिचुएशन देख लिया, हमने देख लिया क्या टीम क्या कर रही है, कैसे क्या उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उनका वीक पॉइंट क्या है, और आज हम सबको ऐसे गैदर करेंगे और हम जीतेंगे. चलो होपफुली वी डू वेल टुडे, एंड वेरी कॉन्फिडेंट बॉय, वेल डन अभिषेक. मिलते हैं फिर, वेल डन. So here's the second game. The players are warming up, and again toss यहाँ पे शब्द और आदित्य राव के बीच में हुआ. Croy Cricket Club was fielding again for two consecutive days, and eventually हम अगर देखेंगे तो they had a brilliant start. First ball पे इनको विकेट मिला था, आप यहाँ पे देख सकते हैं. But अच्छा start मिलने के बावजूद भी they could not capitalize. मैम्स क्रिकेट अकेडमी अगेन स्कोर्ड ह्यूज, 270 वॉज अ टारगेट, वेयर शब्द गॉट 100 एंड ही प्लेड रियली वेल. क्रॉय बैटिंग में थोड़ा सा बेटर की, जहाँ पे गर्व उज अ 13-year-old बॉय, वेरी प्रॉमिसिंग क्रिकेटर, स्कोर्ड अ 50, बट दे कुड नॉट विन एंड दे लॉस्ट क्वाइट बैडली. सो द मैच इज ओवर, एंड टुडे ऑल्सो वी लॉस्ट बाय क्वाइट अ लॉट ऑफ मार्जिन.
काफ़ी रनों से हार गए हम, आई थिंक 130-140 रन से हारे, बट नेवर द लेस आई मीन लाइक आई सेड यस्टरडे, ये सारी लर्निंग्स हैं और अगर बच्चों ने इन मैचों से कुछ सीखा है देन दैट रियली मेक सेंस। टूर्स का यही फ़ायदा होता है कि हम सीखे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों की एकेडमी भी चल रही है एंड रियली गुड एनवायरनमेंट। गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे 4 एंड हमें पता भी नहीं लगा एंड 4th डे आ गया एंड चेकआउट का टाइम आ गया, हमारे निकलने का टाइम आ गया, बट एट द सेम टाइम वी हैव अ मैच, वील बी चेकिंग आउट, वील बी डायरेक्टली गोइंग टू द ग्राउंड। वहाँ पे हम एक T20 मैच खेलने वाले हैं एंड इट्स इन कलर्ड किट्स, सो इट विल बी लिटिल डिफरेंट। लास्ट 2 गेम्स हमारे लिए इतने अच्छे नहीं रहे, बट एट द सेम टाइम आई थॉट वी लर्नड अ लॉट, काफ़ी लर्निंग है। T20 डिफरेंट फॉर्मेट है तो बच्चों के लिए अलग वे होगा, वाइट बॉल से क्रिकेट खेली जाएगी, सो दैट विल बी डिफरेंट। सो आफ्टर द मैच डायरेक्टली हम लोग निकल जाएंगे, दैट्स द रीज़न हम लोग अपना सामान लेके जा रहे हैं। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बॉयज़ आर क्वाइट अप फॉर इट। लास्ट नाइट उन्होंने काफ़ी मस्ती की है। इट्स ये टूर में ये अच्छा होता है कि यू नो यू फॉरगेट अबाउट इट फास्ट एंड यू जस्ट कैन रिलैक्स अ लिटिल बिट, एंड नॉट दैट आई एम सेइंग दैट हारना होता है, बट एट द सेम टाइम आप टूर पे आए हो तो थोड़ा इन्जॉय करना भी ज़रूरी है। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ कमिंग फॉर समथिंग लाइक टूर। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है, एंड होपफुली वी विन टुडे। 2-1 करके जाएं तो थोड़ा सा एक अच्छा लगेगा। सो आई विल कीप यू अपडेटेड। आई फील दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज तुम लोग सीखो क्या, कैसे सीखोगे, क्या क्या लेके जाओगे यहाँ से वापस, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड दूसरी चीज़ ये, आज आप लोग T20 खेल रहे हो तो वो तो टोटली डिफरेंट फॉर्मेट है, अपने आप को एक्सप्रेस करो, खेलो, इन्जॉय करो, सबसे ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। यहाँ पे ये नहीं है कि मतलब यू नो आप जीत रहे हो हार रहे हो, ऑफकोर्स मैटर, बट एट द सेम टाइम यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। सो हियर आई एम एट द ग्राउंड, डे 4, जहाँ आज हमारा T20 मैच चल रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, कलर्ड किट्स में वाइट बॉल के साथ, ब्यूटीफुल डे, सन इज आउट, ब्यूटीफुल बैकग्राउंड, यू कैन सी मैच चल रहा है, अमेजिंग वहाँ पे व्यू है हमारे पहाड़ों का। एंड कल और परसों वॉजेंट द बेस्ट ऑफ डेज फॉर क्रॉयर क्रिकेट क्लब बिकॉज वी लॉस्ट 40 ओवर मैचेस, बट टुडे इट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट, सो होपफुली वी विल do better and compete and be competitive and learn as much as we can. So looking forward to today, I'll keep you updated kya kya ho raha hai, kaise ho raha hai. So the match is coming to an end. Dusri ma'ams ne 250 banaye 20 overs mein, which of course is a big score, huge score. Of course thoda sa competitiveness kam isliye hai because hamare thode chote bacche bhi khel rahe hain and of course tour mein you can't have the best team coming, of course that doesn't happen normally, and not that I'm making any excuses, but at the same time I think hamare players ko bhi ye samajh aata hai ki we need to improve a lot and kafi cheezon mein hum log better kar sakte hain. Although I would not say that hum log agar apna best bhi dete to we could have beaten them, but at the same time we could have fought better. That definitely is a little bit of a concern which I will discuss of course with my team, but at the same time मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ऐसी failures is a part of a sport. अगर हम fail होंगे ही नहीं तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जीते, because मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि सबसे ज़्यादा समझ ही इससे आता है कि हम लोग कहाँ lack करते हैं, एंड हमारे काफ़ी बैट्समैन हैं जो बहुत ही अच्छा खेल रहे थे वहाँ पे एंड यहाँ पे आके आउट हो गए हैं एंड अच्छा नहीं खेल पाए हैं, बट एट द सेम टाइम उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि कहाँ कहाँ वो लोग अपने गेम पे वर्क कर सकते हैं, कहाँ वो अपना आपको बेटर कर सकते हैं। सो द ओपोनेंट्स ऑल्सो प्लेड रियली वेल, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट,
सो देयर इज अ लॉट टू लर्न. ऑफ कोर्स अ लिटिल डिसअपॉइंटेड दैट एक भी मैच हम जीत नहीं पाए, बट बहुत चीज़ें हैं जिससे हम सीख सकते हैं एंड काफ़ी हमारे जो प्लेयर्स हैं वो भी अगर अपने आप को अपने आप में जाके देखेंगे तो उनको दिखेगा कि काफ़ी चीज़ में वो बेटर हो सकते हैं. बिकॉज दिस इज़ अ स्पोर्ट विच इज़ वेरी वेरी कम्पिटिटिव. यहाँ पे 13, 14, 15 साल इट डजेंट मैटर, आपको चीज़ें मिलती नहीं है, आपको छीननी पड़ती है. सो अगर वो चीज़ आपको करना है तो आपको ऐसे प्लेयर्स के साथ कम्पीट करना ही पड़ेगा. सो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ अ पॉजिटिव इन दिस टूर. अभी वील बी फिनिशिंग एंड वील बी हैविंग लंच, देयर बी अ बिट ऑफ अ प्रेजेंटेशन एंड वील बी हेडिंग बैक. आई कीप यू अपडेटेड, मैं आपसे बात करता रहूँगा. Some behind the scenes of the boys of this very short but very nice trip. Cricket terms में देखा जाए तो result हमारे favour में नहीं था, but towards में important ये होता है कि you express yourself, you enjoy yourself, just let it out, get to know more people, see the outside world. And of course जिस चीज़ के लिए हम वहाँ पे गए थे जो cricket था उससे हम जीते हारे वो फ़र्क नहीं पड़ता, but अगर आप learn किए हैं कुछ सीख के जाएँ तो it's worth the trip. Always remember, sports is not just a profession or a hobby. The biggest thing it teaches you is attitude towards life. Until later.